Oye, hazte. लास्ट है बस, पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम मेकअप करते हो तो शेव हम भी करते हैं। इरफान की आफान की इज्जत का सत्यानाश हो चुका है। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा तीसरा दिन यहाँ पे और आज है हमारे मैच। तो फिलहाल हम तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं स्टेडियम की ओर। पहले तो ब्रेकफास्ट करना, फिर जाना स्टेडियम की ओर और देखते हैं आज मेरा मैच आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल सारों के तो आएगा ही नहीं, जिस चीज़ का आएगा देखेंगे और कैसी फाइट रहेगी वो भी देखेंगे। तो फिलहाल करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट और जाते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर जाते हैं हम स्टेडियम। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। क्या ब्रेकफास्ट? फास्ट ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच चुके हैं हम। सो करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं स्टेडियम की ओर। अपन तुझे ब्रेक क्या है आगे? ब्रेकफास्ट कैसा लगा? आगे आगे मत चढ़ा, ये हमारा मुंह की दाने देखिए पीछे जाओ। कैसा लगा? मज़ा भला है। सो गाइस जा रहे हैं हम स्टेडियम की ओर और हमारी पूरी टीम है पीछे और आगे भी है। वो देख सकते हैं आप हमारी पूरा टाइकोंडो के और इसने भी पहना है पर मैंने भी ये वाला पहना है। सो गाइस आफान आगे आगे, उसका भी अभी डांट पड़ी सर से इसलिए वो आगे चला गया। फिलहाल मैं ट्राई करूंगा इसके पास जाने की। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम स्टेडियम में और ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा स्टेडियम है यहाँ का। तीन एरिना लगे हुए हैं यहाँ पे और ये आफान और ये रही हमारी टीम इंडिया की और वो साइड नेपाल की और वो उस टाइम पे थी आपने बांग्लादेश की यहाँ पे। हाँ वो सामने ये बांग्लादेश की और यहाँ पे बॉक्सिंग इंडिया। सो गाइस यहाँ पे चल रहा था हमारा वार्म अप बिकॉज फाइट है अभी अभी और सर ने बोला पहले वार्म अप कर लो, थोड़ी बॉडी गर्म कर लो, किक अच्छी जाएगी ऊपर और पॉइंट भी निकलेंगे। फिलहाल मैंने पसीने देख सकते हैं आप काफ़ी टाइम के बाद आज वार्म अप किया और यहाँ पे हमारी पूरी टीम वार्म करियर को मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखो यहाँ पे और सर टेक्निक बता रहे हैं कि कौन सी किक कहाँ पर यूज़ करनी है। सो गाइस यहाँ पे होने वाला है नेपाली डांस, देखते हैं कैसा होता है नेपाल का डांस। सो गाइस आए थे हम इधर घूमने के लिए और इधर कुछ और ही सीनरी देखने को मिल रही है हमें। फिलहाल आपको भी दिखाता हूँ मैं, ये देखें यहाँ से आप लोग, क्या बताएं यार नेपाल में। और देखो सामने मेरी अंगनी में तुम्हारा क्या काम है। देख सकते हैं आप लोग यार, दिस इज कॉल्ड द लव पार्क नेपाल। सरे यार
और यहाँ का आप देख सकते हैं नज़ारे, हमें दिखाना कुछ और है। अब कश्मीर भगवान से क्या मारना हो सुगा, इसको मैं घुमा रहा हूँ और देखो चक्री चल रही है भाई, देखना इससे। ट्रैकिंग पे गए आफान के लड़के, देख के पसंद आएगी और इसको कुछ नहीं चल रहा है, अपनी बहाने बना रहा है इनकी फोटो लेने में। देखो कैसे क्या कर रहा है, क्या है भाई, ये देखो आफान और फोटो ले रहा है। आफान मत सा खींचना, काम आएगा। यहाँ पर मैंने देखा हम जल्दी जल्दी इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, हमें अपने बंदे नहीं मिले, हम ढूंढते आए फिर भी नहीं मिले, लेकिन हम आए और फिर भी घुमाओ घुमाओ। आई आई कंटेंट बन रहा भाई, कंटेंट बन गया यहां पर, बहुत कुछ होता है मतलब सब कुछ। यहां पे फोटोग्राफी होती है और ये रहे हमारे अंकल, ये भी घूम रहे और ये चक्कर देखो, चक्कर कैसे घुमा रहे हैं लोग, माशाल्लाह। ओ आफान भाग गया यार, सो जा रहा हूं आफान के पीछे पीछे मैं, और यहां पे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारी वजह से। देख सकते हैं आप लोग दिस कॉल्ड द लव, आफान यहाँ पे पागल हो लगे माशाल्लाह यार। आफान की बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है यहाँ पर, बहुत आफान की इज्जत का सत्यानाश हो चुका है। वो तो इस जमाने से है, वो तो इस जमाने से है, हाँ वैसे और यहाँ पे देख लो आप, मतलब देख सकते हो ना सारे में भी है, कुछ चल रहा है और हम आगे जा रहे हैं, चलो आगे जाके देखते हैं। ये देख लो आगे भी देख लो यार, सिर के चक्रे घुमा रहे हैं, देख रहे भाई, देख देख रहे कंटेनर हमें मिल गया यार, वो सारा हमारे वहाँ पर है, वो सारा का सारा फिल्म हमारा उधर, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना काम कर रहा है। आफान उधर गया और ये देखो आफान गया उधर, देख रहे हो समझ वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे, हम शरीफ इंसान डिस्टर्ब नहीं करेंगे सबको। फिलहाल यहाँ से देखिए आप ऊपर का, ये बुद्ध का कुछ बड़ा है, फिलहाल साइड में भी देख सकते हैं आप लोग, आसपास के लोगों की हरकतें नोटिस कीजिए भाई, मैं बोलने वाला नहीं। और यहाँ पे इंशाल्लाह घंटी बजाना शुरू की। सो गाइस आंटी के बोलने के मुताबिक हमें मिला है यहाँ पे यूनिक पेड़, देखो आप लोग भी, आंटी बोल रही है कि ये पेड़ मैंने आज पहली बार देखा और ये होता भी कहीं यूनिक है। तो व्लॉगर वापस आ चुके हैं भाई लोग आपके सामने, क्या कुछ दिखाए यार, ऐसा कंटेंट मिलेगा कहाँ, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। लेकिन आप जो मानते ही नहीं, यहाँ के नेपाल के लोग अच्छे से अभी देखने सबसे सब्सक्राइब करवाऊँगा मैं, वरना वायरल बोलूँगा इनको, धमकी दूँगा यार, बोलूँगा वायरल कर दूँगा वरना मैं, समझो। गाइस ये रही इनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी अभी इनकी फ्रेंडशिप हुई है, हाई कर दो अभी दीदी। यहाँ पे सर ने बोला इनके साथ फोटो शूट होगा, ये देखिए आफान फोटो ले रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कमी बोले तो इनको वो कनेक्शन नहीं पकड़, देख सकते हैं हमारा कोच सर जी, देखो बेचारी कितनी लाल की है। सर्विस करा रहे देखो सर को नया स्टूडेंट मिल गया, सर की पसंद का स्टूडेंट आ गया, सीधा कंटेंट आई टू आई। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को बोल रहे थे ऐसा ऐसा वैसा, फिर लास्ट में हमारे सर ने कर दिया यार, क्या करें अब, दिल कहीं पे नहीं मानता यार। सर देखो अपनी दाढ़ी को, क्या यार है दीदी दीदी ओ ये हंसने वाली वीडियो मुझे सारी सुन दी कोई जीरा सागर से खीट खीट का सर देखो हंसी कैसे यार। Tomorrow you check the Facebook, you are going popular on the social media. You are beautiful laughing. Stella beautiful laughing.
ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेपाली सीख रहे हम। खाना खाया? नाश्ता। नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट। खाजा खायो। तो खाना खाने को बोलते हैं खाजा खायो। फिर नेपाली खाजा खायो। You didn't look like an Indian. क्या वाला नेपाली? क्या शे इंडियन बस हाँ? हाँ ये ना वही राई दीजिए ये मैं मज़ाक लगा इंग्लिश करना है इस तुम्हें जाओ भी खाएंगे हाँ ये नहीं है हाँ जाओ खाइए टिम्मी मलाई मन पारियो ये किसको बोलते हैं ये किस चीज़ को बोलते हैं आप मुझे पसंद है सच में मन में इसे आई टाइम टिम्मी मलाई मन पढ़ियो तिमी मलाई मन पढ़ियो सो गाइस सीक्रेट है बोल देना इसका मतलब है देखा क्या क्या बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है आप मुझे पसंद आए इसका मतलब है आप मुझे पसंद आए सो गाइस यहाँ पे ट्रू शायरी चल रहा है और अफान को डिया मिला है कि कुछ शायरी बोल चल अफान बैठो नीचे चल ओ मैं तेरे कैमरा में अटेंशन प्लीज सब इधर देखे मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैंने कुछ लिखा है तो ये कॉमेडी शायरी आप सब सुनिए सॉरी इको सब सुनाई दे रहा है तुम मुझको ओ नीचे बैठ तुम मुझको अपने बदन की खुशबू से पागल बनाती हो तुम मुझको अपने बदन की खुशबू से पागल बनाती हो मैं उस साबुन के प्यार में पड़ गया जिसे तुम नहाती हो सो गाइस आ चुके हैं घर पे और ज़्यादा सो चुका है और मैं भी बहुत थका हुआ हूँ फिलहाल करते हैं रेस्ट और कल सुबह जल्दी जाना है स्टेडियम तो उठना भी जल्दी है फिलहाल करते हैं इस व्लॉग का एंड उम्मीद आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और शेयर कर देना वीडियो को यार सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़ यार भाई के लिए इतना तो कर सकते हो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब के लिए गुड बाय